नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके दिन नई उमंग में। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही चर्चित टॉपिक के बारे में, जो है अभी हाल ही में भारत के कई राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। मैं उनके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कौन कौन से राज्य के राज्यपाल बदले गए हैं। राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये एक ध्यान रखना है। सबसे पहले नागालैंड के राज्यपाल है वो अभी नए राज्यपाल है, मैं यहाँ पे नए बता रहा हूं, यहाँ पे पुराने अभी एन रवि है वो नए राज्यपाल बनाए गए हैं नागालैंड के। तो पुराने थे विश्वनाथ आचार्य। विश्वनाथ आचार्य थे जो जिनका कार्यकाल अभी समाप्त हो गया था, इसलिए हम फिर नए राज्यपाल एन रवि को बनाए गए। और नागालैंड की राजधानी ओके कोहिमा है, ये भी हमें ध्यान रखना है। कोहिमा लिख देता हूँ, कोहिमा राजधानी। कोहिमा है और इसके जो सीएम है, सीएम का क्या नाम है, नेफ्यू रियो, ध्यान रखना नेफ्यू रियो। अब गुजरात के भी अभी चेंज किए गए हैं। गुजरात के अभी आचार्य देवव्रत जी को नियुक्त किया गया है वहां पे। और पुराने थे वो थे ओपी कोहली। ठीक, ओपी कोहली। और गुजरात की राजधानी वो है गांधीनगर। और गुजरात की जो मुख्यमंत्री है, गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। क्या विजय रूपाणी, ये भी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नए वो बने अनुसुईया जी को राज्यपाल बनाए गए। और वो किसका स्थान लेंगे, वो लेंगे आनंदीबेन पटेल का। छत्तीसगढ़ की राजधानी वो है रायपुर, ये हमें याद रखना है। और यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब बिहार के कौन बने हैं, फाल्गू चौधरी। फाल्गू चौधरी ने लालजी टंडन का स्थान लिया है। बिहार की राजधानी हुआ है पटना, ये याद रखना है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री है कौन है, नीतीश कुमार, ये भी याद है। अब मध्य प्रदेश, जो बिहार के जो पुराने राज्यपाल वो कहां ट्रांसफर किए गए हैं, मध्य प्रदेश में लालजी टंडन। किनका स्थान लेंगे, आनंदीबेन पटेल की। और मध्य प्रदेश राजधानी है वो है भोपाल। और मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ जी हैं, याद रखना है आपको कमलनाथ जी। अब उत्तर प्रदेश, आनंदीबेन पटेल को कहां ट्रांसफर किया गया है, उत्तर प्रदेश में।
किसका स्थान लेगी? नाइक का। और यूपी की राजधानी आपको पता ही है, नवाबों का शहर लखनऊ, याद रखना नवाबों का शहर भी बोलते हैं इसको। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम साहब वो बहुत ही चर्चा में रहते हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब त्रिपुरा की, त्रिपुरा के नए राज्यपाल हैं, वो हैं रमेश बैस। वो किनका स्थान लेंगे? कप्तान सिंह सोलंकी। और त्रिपुरा की राजधानी वो है अगरतला। अब है हिमाचल प्रदेश, मैं ये बता दू त्रिपुरा के मुख्यमंत्री वो है विप्लव कुमार देव, याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में अभी जो नए राज्यपाल बने कौन है? ये है कलराज मिश्र। किनका स्थान लेंगे? आचार्य जी देवव्रत का। और हिमाचल की राजधानी बताइए शिमला। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की कौन है? आंध्र प्रदेश के विश्वभूषण हरिचंद्रन। किसका स्थान लेंगे? पीएसएल नरसिम्हन। और इसकी राजधानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की थोड़ी कंफ्यूजन है, वैसे विजयनगर होनी चाहिए। अब पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश सीएम जगमोहन जी, ध्यान रखना जगदीप धनखड़। और एक किसका स्थान है? केशरीनाथ जी त्रिपाठी का। और कोलकाता है इसकी राजधानी। और जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। ठीक, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम बदलकर, मतलब रायपुर का नाम बदलकर अटल नगर कर दिया गया है, ध्यान रखना है अटल नगर, नए नाम से जाना जाएगा अटल नगर को, रायपुर को। तो ये थे अभी 10 राज्यों के राज्यपाल बदल रहे हैं, आगे भी ऐसी संभावना है कि और भी राज्यपाल बदले जाएंगे। तो जितने बदले गए हैं वो मैंने आपको बता दिए, अभी बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, हमें पूछे भी जा रहे हैं कि पहले कौन थे अब कौन है, और मैंने आपको चारों चीजें बता दिए, राज्य का नाम, राज्य के मुख्यमंत्री और पुराने राज्यपाल, नए राज्यपाल और राजधानी के बारे में। तो आज ये थी एक छोटी जानकारी, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इसलिए कृपया करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब।